चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग स्पीडी साइंस, ठीक है। पेज नंबर 23 और 24, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए व्यवहार किया जाता है। ऑक्सीजन कम का 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, घंटा होता है 1.5 जूल। ताप क्रम में वृद्धि के साथ धात्विक चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। भारत में एसी सप्लाई की मानक आवृत्ति कितनी? 50 हर्ट्ज होती है। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है वोल्टेज को, वोल्टेज को कम या कम कम या बेस एसी वोल्टेज। हाँ, चुंबकीय क्षेत्र प्रबलता का मीट्रिक यूनिट क्या है? ऑर्स्टेड। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है? अर्धसूत्री विभाजन में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? आधी। अक्रिय गैस हीलियम की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या दो। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। एकल छोटा है, सूक्ष्मतम के मतलब छोटा। एकल स्ट्रैंडेड वाले डीएनए अणु कहाँ मिलते हैं? बैक्टीरियोफेज में। गंगा नदी का पानी इसी के कारण कीटाणु उसमें नहीं पड़ता है, बैक्टीरियोफेज के कारण, ठीक है। डायनामाइट बनाने में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। नाइट्रोग्लिसरीन टीएनजी, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन टीएनजी का भी उपयोग किया जाता है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है ऊतकों में, ऊतकों में ऑक्सीजन पहुंचाकर। वेल्डिंग करने में किस गैस का मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। सबसे हल्का गैस हीलियम किसी सबसे हल्का गैस हीलियम 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 किसी दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिससे एक व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखी जा सके? आधा। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? मीटर। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है? जीवाश्म की आयु होती है पृथ्वी की आयु? यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम। पत्थरों एवं खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व सिलिकॉन। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होती है किस कारण? अपकेंद्रीय बल के कारण। किससे होकर गुजरते हुए प्रकाश की गति न्यूनतम होती है? स्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी। विद्युत मोटर एसी के आविष्कारक कौन है? निकोला टेस्ला। स्वर्ण की शुद्धता किस प्रकार व्यक्त की जाती है? कैरेट में। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन। जल का विद्युत विश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ पर संचित होता है? ऑक्सीजन एनोड पर। तांबा चांदी एल्युमिनियम तथा सोना में अधिकतम तन्य? चांदी। सोना। सोना हाँ। सीमेंट बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? मोर्टार। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र सोना। किसी संचायक सेल में क्या संचित रहता है? रासायनिक ऊर्जा। सड़कों को प्रकाशित करने के लिए प्रयुक्त बत्तियां किस क्रम में संयोजित होती है? समानांतर क्रम। लेजरों द्वारा उत्पन्न त्रिविमीय प्रतिबिंब कहलाता है? एक होलोग्राम। कार्बन पीतल एरोजेल तथा तांबा में सबसे हल्का पदार्थ एरोजेल। ध्वनि तरंग के दैर्य से प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है परावर्तन से। यदि एक चालक के तापक्रम को बढ़ा दिया जाए तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक कहता तापक्रम बढ़ाने, चालक के तापक्रम बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ेगा। रेडियो तरंगों की चाल होती है प्रकाश की चाल के बराबर। शोल्डर किसका मिश्र धातु है? हवा का बुलबुला किस लेंस के भांति कार्य करता है? दिखता है उत्तल लेंस के भांति कार्य करता है। डिप्थीरिया से प्रभावित होने वाला अंग? श्वास नली, गला।
मार्स गैस कहलाता है, अम्लीय वर्ष, हाँ मार्स गैस मीथेन, अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक SO2 और NO2 है। विद्युत सेल स्रोत है किसका, विद्युत ऊर्जा का। वर्षा उपहार किस फसल की प्रजाति है, भिंडी, भिंडी। कपास के लिए उपयुक्त काली मिट्टी की अधिकता होती है, मंटमारिलो नाइट्राइट की, मंटमारिलो नाइट्राइट की। मैनोमीटर का प्रयोग किसके माप के लिए किया जाता है, गैस के दाब। कैलोरी किसकी इकाई है, ऊर्जा की। आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई छड़ी, उष्मा। आंशिक रूप से पानी में डूबी हुई सीधी छड़ का झुकी हुई मालूम पड़ने का कारण, अपवर्तन के कारण। विद्युत चुंबक बना होता है किसका, नरम लोहा का, मृदु लोहा। केवल दो तत्व कक्षा तापक्रम पर किस द्रवावस्था में स्थित है, ब्रोमीन और पारा। एक माइक्रोन बराबर होता है कितने mm। पृथ्वी की वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र हाइड्रोजन। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र RH फैक्टर सामान्यतः किससे संबंध माना जाता है, रक्तदान, यानी कि रिसस नामक बंदर से ये किया गया था। लेकिन RH फैक्टर की जांच, जब रक्तदान किया जाता है तो RH फैक्टर की ही जांच की जाती है। लोलक की लंबाई 1/4 हो जाती है तो इसका आवर्तकाल आधा हो जाएगा। घनत्व का CGS पद्धति में मात्रक ग्राम प्रति सेंटीमीटर की, CGS प्रणाली में बल का मात्रक डाइन, CGS में डाइन, SI यूनिट न्यूटन। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग होता है, दांत मसूड़ा। 4°C पर विशुद्ध जल का घनत्व कितना होता है, 1000 kg प्रति मीटर क्यूब। MKS प्रणाली में यंग के प्रत्यास्थता गुणांक की इकाई है, घंटा धातु यानी कि बेल धातु में होता है, तांबा और टीन, तांबा और टीन। 1 nm किसके बराबर होता है, 10⁻⁹। लक्स किसकी इकाई है, प्रदीप्त। NaCl रासायनिक सूत्र है किसका, नमक का। टिबिया हड्डी पाई जाती है, क्रायोलाइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है, क्रायोलाइट। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त होता है, सर्वाहारी, सर्वाहारी। ट्रिप्सिन का निर्माण होता है अग्न्याशय में। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण होता है, परितारिका द्वारा, ठीक है। लाइट देखिए कट गया है, अरे फ्लैश वाला, फ्लैश वाला, फ्लैश वाला कौन थी ना भाई, बढ़िया बात है ना। अरे फ्लैश है जारी कौन आप होई हाय। चलिए अरे आओ थे BCG के टीके का उपयोग किस रोग को रोकने हेतु होती है, टीबी। एक गतिमान वस्तु स्वयं पृथ्वी पर क्रमशः विश्राम हेतु आती है गुरुत्व के कारण, पर्वतों पर ठंड महसूस होने का कारण है वातावरण के कम दबाव। सुनार का विस्तारित रूप साउंड ऑफ नेविगेशन एंड रेंजिंग। दूध में वसीय तत्व कम हो जाता है बरसात में, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम। औद्योगिक रूप से पॉलीथीन निर्माण किसके बहुलीकरण से होता है, इथिलीन। परम शून्य तापमान यानी कि वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जो सैद्धांतिक रूप से संभव है। टीकाकरण की खोज एडवर्ड जेनर। कपड़े के रंग का विरंजन करने वाला अभिकारक है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है वायुमंडल नाइट्रोजन का उपयोग नाइट्रेट यौगिक में परिवर्तन, हाँ यानी कि राइजोबियम जो जीवाणु पाया जाता है लेगुमिनस प्लांट में उसी को पकड़ करके नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पकड़ के नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, बदलता है। ग्रह होते हैं अदीप्त पिंड जो टिमटिमाते नहीं है। आग पकड़ने के लिए कौन सा फाइबर न्यूनतम प्रवृत्त है, सूती। नॉन स्टिक रसोई के बर्तन पर परत होती है,
पोटेशियम सोडियम लिथियम तथा सीसा धातुओं में से किसमें न्यूनतम गलनांक होता है? पोटेशियम का। बेकेलाइट किसका बहुलक है? फॉर्मल्डिहाइड तथा फिनोल का। समान अणुसूत्र तथा अलग अलग संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं आइसोमर नहीं तो समवायवी। किस लोहे में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? पीटवा लोहा। 18 कैरेट सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशतता। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से कौन सी गैस निकलती है? अमोनिया। यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट, यूरिया अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है उपचारित होकर। लाफिंग गैस है। मोह मापने का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? धातु की कठोरता। मोह मापनी धातु की कठोरता। CaCO3 सूत्र का सामान्य नाम संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट। हाँ, रेडियो धर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है? 3, अल्फा बीटा गामा। पहले अल्फा, अल्फा पहले अल्फा तब बीटा, एक एक करके छोटी। अल्फा किरण के निकलने से 2 हीलियम की वृद्धि, ठीक है। उसके बाद बीटा किरने से, बीटा किरण के निकलने से इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के बीटा से एक, अल्फा से 4, ऊपर 4 नीचे 2। पृथ्वी के निकटतम ग्रह? शुक्र। पृथ्वी के निकट कह रहा है शुक्र। हाँ, बुध, शुक्र, पृथ्वी, ठीक है। एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब होता है जब लेटर आता है। दो वस्तुओं के बीच की दूरी जब आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना हो जाएगा? 4 × 2 square। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भार, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के भार का कितना होता है? 18/36 भाग होता है। दूरस्थ वस्तुओं के अवलोकन हेतु कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? बाइनोकुलर, दूरबीन का। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी केवेंडिश, ऑक्सीजन का प्रिस्टले। रडार का आविष्कार किसने किया था? अल्बर्ट टेलर। चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? केंद्र की ओर से। उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलना अधिक महसूस होती है क्योंकि जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। फास्फोरस का सूत्र होता है P4। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नव संचालकों के द्वारा आंतरिक वस्तुओं का पता लगाने के लिए समुद्र के अंदर। नमकीन जल में उगने वाले पौधा को क्या कहा जाता है? हैलोफाइट, हैलोफाइट। किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? संवेग उसके भार पे, क्योंकि संवेग बराबर पी बराबर एम भी होता है। द्रव्यमान पे, अभी दोनों द्रव्यमान, द्रव्यमान और वेग, अभी दोनों पर। हाँ, हवा का देखो, जैसे वो ट्रेन के इंजन है, कार टकराई ना तो संवेग कहां के ज्यादा होगा? ठीक है, कार, ट्रेन का, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका संवेग ज्यादा होगा। तो संवेग पी बराबर एम वी होता है, तो मास और वेलोसिटी दोनों पर निर्भर करेगा। हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? 14.4। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण इलेक्ट्रॉन। बिजली के चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कोई बंद कमरे में नहीं सो सकता है जहां चारकोल जल रहा हो क्योंकि चारकोल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को घटाता है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, यानी कि जल में शर्करा का घुलना या बर्फ का, जल का बर्फ बनना फिर बर्फ का पानी बनना। तो ये कंप्लीट हुआ सामान्य विज्ञान। अब सामान्य अध्ययन हम लोग देखेंगे। पेज नंबर इसमें 47 है, ठीक है, 47 और 48 विविध, विविध भी। हाँ, चलिए पहला क्वेश्चन सामान्य अध्ययन का, ठीक है, SPD का सामान्य अध्ययन है। पेज नंबर 47 है और 48। पहला क्वेश्चन है, गोपाल हरि देशमुख किस नाम से जाने जाते हैं? लोकहितवादी। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी?
भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट 1780। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? इसी में सरदार भाई पटेल, हाँ सरदार की उपाधि, हाँ सरदार की उपाधि मिली थी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? नवीन बलित पर्वत। राज्यसभा एक क्या है? अस्थाई उच्च सदन, ठीक है। राष्ट्रपति का आपात अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत के किस राज्य में, यानी कि ये कालीबंगा है, राजस्थान, मेगास्तनीज के शासन काल में भारत कौन आया था? चंद्रगुप्त मौर्य। अरे चंद्रगुप्त मौर्य के, चलिए क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में कौन आया था? मेगास्तनीज। ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? प्लिया, स्प्लीन या प्ली। यूरेनियम का अयस्क है? पीचलैंड। सेसेल्स द्वीप किस महासागर में है? महासागर। प्रथम विद्युत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? 1925। सबसे लवणीय सागर? प्रथम राष्ट्र कवि होने का गौरव किसको प्राप्त है? मैथिली शरण। ओजोन परत की मोटाई मापने वाली, ओजोन दिवस 16 सितंबर। आधुनिक कवि किसको कहा जाता है? आधुनिक कवि महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को कौन है? हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घटपरवा नदी। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1469। तलवंडी नामक स्थान पे सोते समय रक्तदाब घटता है। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? 1700। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? मोहम्मद, हाँ फ्रांस का निवासी था। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पे, दिल्ली जिसको हम लोग देवगिरी, दिल्ली देवगिरी, हाँ। संध्या तारे का उदय किस ध्रुव को निरूपित करता है? उत्तरी ध्रुव। भारत के साथ सर्वप्रथम व्यापार संबंध बनाए थे? पुर्तगालियों ने। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटा ग्रंथि? पीयूष ग्रंथि। कालाहारी रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका के किस भाग में है? तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार किसके शासनकाल में चला गया था? शेरशाह सूरी के शासन। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत है? 71%, 71%। महान विधि निर्माता किसको माना जाता है? मनु को माना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? क्रीमियन युद्ध 1854-56 में हुआ था, 1854-56 के बीच क्रीमियन युद्ध। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, जो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में है। जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी कलकत्ता से देवगिरी स्थानांतरित की कब? 1911। कलकत्ता से दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली बोले हैं ना, देवगिरी बोले। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। तमसो मां ज्योतिर्गमय किस वेद से ली गई है? पंडुबी का आविष्कारक डेविड बुशनेल है। लीबिया किस महादेश में स्थित है? अफ्रीका महादेश। सबसे गर्म देश लीबिया। चीन और इंग्लैंड के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? अफीम युद्ध। अफीम उत्पादन में अफगानिस्तान अभी एक नंबर पे है, अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा होता है, अफीम उत्पादन होता है अभी। अभी बैन हो गया पूरा, जो है ना अथी वाला, सब जितना है सब बैन कर दिया, अफीम बंद। ओजोन परत के ह्रास के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। कांसा किस धातु का मिश्रण है? कॉपर और टीन का। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है? वेबर।
पोलियो के टीका के निर्माता कौन है? जॉन साल्क। मेरिनो किसकी प्रजाति है? मेरिनो भेड़ की नस्ल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। रानी खेत किस किस प्राणी में होता है? मुर्गी। राष्ट्ररोग, हाँ राष्ट्ररोग गेहूं में होता है राष्ट्ररोग। किडनी रोगी को किस पर रखा जाता है? डायलिसिस। डायलिसिस किस सिद्धांत पे कार्य करता है? अपोहन के, मतलब ब्लड शुद्धिकरण करता है। बारदोली सत्याग्रह का संबंध किसे है? सरदार पटेल। हाँ, आंसू किस ग्रंथि से स्रावित होता है? लैक्रिमल ग्रंथि, आंख में पाई जाती है। चौथी स्तंभ प्रेस को, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने देशांतर रेखा होता है, यानी कि 180 पूर्व या पश्चिम? वरुण परियोजना किससे संबंधित है? मेघ बीजारोपण से, मेघ बीजारोपण से, मेघ बीजारोपण से। जल के अणु द्वारा प्रकाश के नीले रंग का प्रकीर्णन द्वारा समुद्र कैसा दिखाई देता है? नीला। राम प्रसाद बिस्मिल्ला को कब और किस घटना के लिए फांसी दी गई थी? काकोरी कांड। पृथ्वी सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा संचरण किस विधि द्वारा होता है? विकिरण, जिसमें वायुमंडल गर्म नहीं होता है। प्रोटीन में मुख्य अवयव क्या होता है? नाइट्रोजन। लाहौर का किला किसने बनवाया था? अकबर ने। ध्वनि तरंगे कैसी गमन करती है? लंबवत। भारतीय थल सेना का सर्वोच्च पद कौन सा होता है? जनरल। कैमरे में किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। एक्सरे के शोधक कौन है? एक्सरे के रोएंटजन। एक मिनट में मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? 16 से 18 बार सांस। जो हार्ट बीट होता है, एक मिनट में 72 बार। निमूर द्वीप किस खाड़ी में स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक। अभी पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद, NDC। NDC पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित अभी NDC ही करता है, भले योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया गया है, लेकिन अनुमोदित ये NDC ही करेगा, यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ही करेगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सर्वप्रथम इंदिरा गांधी कब अपनाया गया था? 1952 में। इंदिरा गांधी उस समय कहाँ थी? ना यार, परिवार नियोजन यहाँ पे 2000 तो ये क्या कह रहा है? 1952 परिवार नियोजन कार्यक्रम को भारत में सर्वप्रथम 1966 में बना। अरे 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में अपनाया गया। ठीक है, इसको स्टॉक एक्सचेंज किसके द्वारा नियमित किए जाते हैं? सेबी। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। सिडबी का लखनऊ। मुख्यालय भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति किसके पास होती है? सर्वोच्च न्यायालय। एशिया का क्षेत्रफल कितना मिलियन वर्ग किलोमीटर है? 44.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी। विटामिन सी का अच्छा स्रोत, एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी स्पंदन दर प्रति मिनट कितनी होती है? 72। संविधान सभा के प्ररूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भीमराव अम्बेडकर। शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम? फरीद खान। जवाहर सुरंग नाम किस दर्रा को का दिया गया है? बनिहाल दर्रा को। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? नर्मदा। सिंधु घाटी सभ्यता कितने ईसा पूर्व के पास थी? 2500। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? द्वितीय। अकबर के राजस्व मंत्री कौन है? संसद द्वारा अनुमोदन होने पर भी राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक लागू रह सकता है? छह माह। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय। जीका वायरस का वाहक है कौन सा मच्छर? नहीं, एडिस मच्छर। एडिस।
मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे छोटी पिट्यूटरी और बड़ी यकृत। मनुष्य मानव शरीर में जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 65 से 80%। श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? डब्ल्यूबीसी फुल फॉर्म है। अस्थिमज्जा में होता है? अस्थिमज्जा, लिम्फ नोड तथा पलीहा में होता है। 7 दिन इसका जीवन काल होता है। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला सौदामिनी देशमुख। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 88.5 है। भारत की सबसे लंबी नदी और चौड़ी नदी कौन है? वन महोत्सव की शुरुआत कब से और किसने की? 1850 के एम मुंशी 1950 के एम मुंशी। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के चिली भाग में। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है? इंसुलिन हार्मोन रक्त में किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? ग्लूकोज की, शर्करा ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। सूर्य का प्रकाश सर्वदा समान पड़ता है कहाँ पे? विषुवत रेखा पे। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होता है तो भारत के कौन से राष्ट्रपति के कार्य के रूप में कार्य करते हैं? मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? स्वर्णरेखा नदी, रांची। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला वेलेंटिना तेरेस्कोवा। असत्य फल अंडाशय या फूल के बने हो, फूल के अन्य भाग से होते हैं, लेकिन सत्य फल केवल अंडाशय से। साहित्य कृतियों के संरक्षण के लिए कौन सा वंश विख्यात था? गुप्त वंश। त्वचा एवं इसकी बीमारियों से का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। मदर टेरेसा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु के कोड़ाई कनाल में। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? अलबरूनी इतिहासकार किसके शासनकाल में भारत आया था? महमूद गजनी। पांडवानी लोक नृत्य किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। अष्ट छाप के संस्थापक कौन है? विठल नाथ, स्वामी विठल नाथ। लव ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला सुरेंद्र नायडू, यूपी। वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क में स्थित एक स्टॉक एक्सचेंज है। मूल्य नियंत्रण नीति सैनिकों के भले के लिए लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी। भारत सिविल सर्विस आईसीएस किसके समय में चालू हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यामा के लेखक कौन है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह। अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? माहेश्वर। शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि? लिवर। गोवा भारत का कितना नंबर का राज्य है? 25वां। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? 1936 में। प्रकाशन भारत में टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण 1959 में प्रसारण लाइव टेलीकास्ट। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? प्राचीनतम स्मृति किसको माना जाता है? मनुस्मृति को। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता है? 25 से 28 तक के धर्म की स्वतंत्रता। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन है? समुद्र पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत है? रुपये का सिक्का पीत का श्रावण मानव शरीर से रक्तचाप किसके द्वारा नियोजित किया जाता है? एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा, जिसको हम लोग लड़ो उड़ो हार्मोन, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन कहते हैं।
लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मुद्रास्फीति। शिवाजी की माँ का नाम क्या था? जीजाबाई। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था? फ्रांस का। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पे स्थान? दिल्ली से देवगिरी। देवगिरी। देवगिरी दौलताबाद। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? कांटोसोम। कांटोसोम। मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस अपोहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। उत्तकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन, कोशिका का। प्राचीन सांख्य दर्शन में किस मुनि का योगदान है? कपिल मुनि। मानसून का कारण मौसमी उत्क्रमण। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/81। सहारा मरुस्थल अफ्रीका के किस भाग में? उत्तरी अफ्रीका। पृथ्वी का औसत तापमान कितना होता है? 15 डिग्री सेल्सियस। 16 चलिए लीजिए, अब पूछिए लूसेंट, अब देखिए स्टार्ट होगा। चलिए अब हम लोग लूसेंट देखते हैं, ठीक है। लूसेंट में हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में पेज नंबर हम लोग कितना है? 48, ठीक है। 48 देखना है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक से। चलिए, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल, लॉर्ड नॉर्थब्रुक का 1872 से 1876, ठीक है।